हेलो स्टूडेंट, हमने दोनों किरचॉफ लॉ का स्टडी कर लिया है। किरचॉफ लॉ ऑफ करंट एंड किरचॉफ लॉ ऑफ वोल्टेज, इन दोनों का साइन कन्वेंशन आपको पता है, याद कर लिया है अच्छे से साइन कन्वेंशन कि करंट पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, देन वोल्टेज पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ईएमएफ सोर्स पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ये याद है। अब हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, किरचॉफ लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम न्यूमेरिकल लेते हैं। टू बैटरीज ऑफ 7 वोल्ट एंड 13 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम एंड 2 ओहम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओहम। फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओहम रेजिस्टेंस। अब हमें क्या दिया है, दो बैटरीज है, एक 7 वोल्ट है और एक 13 वोल्ट है। दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है, कितना है, 7 वोल्ट के लिए 1 ओहम इंटरनल रेजिस्टेंस है, 13 वोल्ट के लिए 2 ओहम इंटरनल रेजिस्टेंस है। देन आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 वोल्ट। दोनों बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है, किसके साथ, 12 ओहम के साथ, रेजिस्टर 12 ओहम के साथ। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड अ करंट थ्रू ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच से कितना करंट फ्लो करेगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओहम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप पहले इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। क्या है, 7 वोल्ट और 13 वोल्ट पैरेलल में है, किसके साथ, 12 ओहम रेजिस्टर के साथ। अब देखो हमारा डायग्राम, ये 7 वोल्ट जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम, ये 13 वोल्ट जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओहम, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, किसके साथ, 12 ओहम रेजिस्टर के साथ। अब देखो पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा, ये 7 वोल्ट से करंट फ्लो करेगा, इसे हम कहेंगे I1। ओके, देन यहाँ से करंट फ्लो करेगा I2। ओके, तो अब ये दोनों करंट यहाँ आके मैच होंगे। उससे पहले हम नाम दे देते हैं सर्किट को, ये ए बी सी डी ई एंड एफ। अब देखो ये यहाँ भी करंट I1 होगा, यहाँ भी करंट क्या होगा, I1। तो ये I1 करंट यहाँ आएगा, ये I2 करंट, तो सी पॉइंट पे दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, तो ये करंट क्या होगा, यहाँ I1 प्लस I2 दोनों एड अप हो जाएंगे और ये करंट आगे मूव करेगा और वापस यहाँ से कितना करंट जाएगा, I2 और यहाँ I1। ये समझ में आ गया, ये करंट कितना होगा, I1 प्लस I2। चलो अब हम इससे अप्लाई करेंगे, किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे इस सर्किट के लिए। तो हम पहला लूप लेंगे, फर्स्ट लूप हम लेंगे ए बी एफ ई ए, कौन सा ले रहे हैं, फर्स्ट लूप, कंसीडर लूप कौन सा ले रहे हैं, ए बी एफ, ए बी एफ ई ए, समझ में आ गया लूप। अब देखो ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ कह रहा है बी, तो ए से बी, ए से बी पहले जाएंगे तो क्या आएगा, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ईएमएफ सोर्स है उसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव 7 वोल्ट ये हमारा हो गया ईएमएफ का वैल्यू। देन 1 ओहम करंट का डायरेक्शन, और हम ट्रेस का ए टू बी ट्रेस कर रहे हैं और अपोजिट उसके करंट का डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव 1 इंटू करंट I1, सो वी इज इक्वल टू आई आर, आपको पता है आई का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 इंटू
आई वन पॉजिटिव, देन बी टू एफ में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, देन एफ टू ई, देखो करंट का डायरेक्शन ये है और हम एफ टू ई ट्रेस कर रहे तो वापस पॉजिटिव 12 इंटू आई वन प्लस आई टू, करंट कितना है आई वन प्लस आई टू, यहाँ कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमने अप्लाई किया इसको, ओके। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा, 12 आई वन प्लस आई टू प्लस आई वन इज इक्वल टू 7, ये हो गया इक्वेशन 1। ये समझ में आ गया। अब हम दूसरा लूप लेते हैं, कंसिडर लूप कौन सा लेंगे, सी डी एफ ई सी, कौन सा सी डी एफ देन ई एंड सी, सी डी एफ ई सी, ये हमने लूप ले लिया। अब इसमें देखो वंस अगेन यहाँ से मूव करेंगे तो माइनस 13 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो नेगेटिव 13 वोल्ट, ये 2 ओम और इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है आई टू, सो आई आर करंट का डायरेक्शन और ट्रेस करने का डायरेक्शन अपोजिट है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और सी टू डी ट्रेस कर रहे हैं सर्किट को, तो ये होगा पॉजिटिव 2 आई टू, देन यहाँ कोई भी कंपोनेंट नहीं है, यहाँ वंस अगेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो सिर्फ हम करंट का डायरेक्शन ये है और हम एफ टू ई मूव कर रहे तो ये क्या होगा प्लस 12 आई वन प्लस आई टू और बाकी कंपोनेंट खत्म हो गए तो इज इक्वल टू 0। अब हम इसको वापस इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या होगा, अब ये 12 आई वन प्लस आई टू फर्स्ट ले लिया प्लस 2 आई टू इज इक्वल टू ये 13 यहाँ चला गया 13, ये हो गया इक्वेशन 2, ओके। अब हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, हम क्या करेंगे इक्वेशन नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या है हमारा 12 आई वन प्लस आई टू प्लस 2 आई टू इज इक्वल टू 13 और दूसरा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 12 आई वन प्लस आई टू प्लस आई वन इज इक्वल टू 7। अब हम क्या कर रहे हैं माइनस, तो इन सबका साइन चेंज होगा, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अब प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, अब यहाँ क्या बचा 2 आई टू माइनस आई वन इज इक्वल टू 13 माइनस 7 6, ओके 13 माइनस 7 6। तो अब हमारा आंसर देखो क्या होगा, इसमें से हम आई टू का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आई टू इज इक्वल टू क्या होगा 2 आई टू इज इक्वल टू, यहाँ से 2 आई टू इज इक्वल टू आई वन वहाँ चला गया आई वन प्लस 6, देयरफॉर आई टू इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड में चला गया आई वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 3। ये समझ में आ गया इक्वेशन 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। नाउ पुट दिस इक्वेशन 3, पुट दिस इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, हम इसका वैल्यू कहाँ डालेंगे इक्वेशन 1 में डालेंगे हमारा, अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालेंगे, इक्वेशन 1 हमारा याद है क्या है, इक्वेशन 1 ये रहा हमारा 12 आई वन प्लस आई टू
प्लस आई वन इज इक्वल टू सेवन, तो आई टू की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन देखो क्या होगा, अब 12 आई वन एज इट इज, आई टू की जगह हम क्या पुट करेंगे, प्लस आई वन बाय टू प्लस 3, ये हो गया प्लस आई वन इज इक्वल टू 7, ये हमारा पहला इक्वेशन था, करेक्ट है ना। तो आई टू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, आई वन बाई टू प्लस 3। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 12 आई वन प्लस 1 है, ये होगा 12 आई वन, मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 12 आई वन बाई टू प्लस 3 इंटू 12 36 प्लस आई वन इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7, तो ये 2 और ये हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6। तो अब 12 आई वन प्लस 6 आई वन प्लस 1 आई वन कितना हो जाएगा, 12 एंड 6 18 और 1 आई वन 19, तो ये हो जाएगा 19 आई वन इज इक्वल टू, ये 36 वहाँ चला गया, 7 माइनस 36, 7 माइनस 36 माइनस 29, सो आई वन इज इक्वल टू, तो आई वन क्या होगा, अब यहाँ हम लिखते हैं आई वन इज इक्वल टू माइनस 29 डिवाइडेड बाय 19, कितना आएगा डिवाइड करो, आई वन इज इक्वल टू, देयर फॉर आई वन का आंसर क्या आएगा, 19 वन जा 19 वन पॉइंट, बचा कितना 10 पॉइंट 0 100, 19 फाइजा देन 26 एम्पियर, ओके, और माइनस साइन, ये माइनस साइन है, सो 1.526, करेक्ट है, 1.526 ये आंसर आ जाएगा आई वन का। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, आई वन का वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में, आई वन का वैल्यू क्या है, माइनस 1.526। अब देखो हमारा आई वन का वैल्यू क्या आया, माइनस 1.526, वो हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारा क्या था, आई टू इज इक्वल टू आई वन बाय टू प्लस 3, तो अब हमारा वैल्यू क्या होगा, आई टू इज इक्वल टू माइनस 1.526 बाय टू प्लस 3, सो आई टू इज इक्वल टू, इसको अगर डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, माइनस 0.7 6 3, करेक्ट, 2 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 प्लस 3। अब देखो माइनस और प्लस, तो ये सब्सट्रैक्शन होगा, 3 में से हमने क्या सब्सट्रैक्ट करना है, 0.763, ये सब्सट्रैक्शन आता है ना, कैसे करना होता है, ओके, कैसे डिवाइड सब्सट्रैक करना है, तो इसके आगे पॉइंट लेने पड़ते हैं हमें, 0 0 0, 3 0 लेंगे, सो 0 माइनस 3, ये बड़ा डिजिट है, छोटा है, बड़ा में से हम छोटा माइनस करेंगे, तो कैसे माइनस करेंगे, इसका मैं प्रॉपरली लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो माइनस हम ऐसे करेंगे, 3.000 0.763, सो 10 आउट, 10 में से 3 7, ओके, देन 9 में से 6 जाएंगे तो 3, देन 2 एंड यहाँ क्या होगा 2.237, ये आंसर आ जाएगा, ओके, तो वो आंसर हम लिख लेते हैं अभी, सब्सट्रैक्शन समझ में आया कैसे करना है, 3.00 लेना है माइनस 0.763 उसमें से माइनस करना है, तो हमारा I2 क्या है, I2 इज इक्वल टू सब्सट्रैक्शन करके 2.237
237 एम्पियर। तो अब हमारे पास आई वन का वैल्यू है, हमारे पास आई टू का वैल्यू, तो टोटल करंट का कितना होगा, आई वन प्लस आई टू, टोटल करंट कितना होगा, आई वन प्लस आई टू। हमें क्या फाइंड करना था, हर एक ब्रांच में से कितना करंट पास होता है, तो आई वन हमने निकाला, आई टू हमने निकाला, तो इस ब्रांच ए बी ब्रांच से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई वन, सी डी ब्रांच से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई टू, और ई एफ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई वन प्लस आई टू। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, आई वन प्लस आई टू अब हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो आई वन का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, आई वन इज इक्वल टू माइनस 1.526 और आई टू इज इक्वल टू 2.237। अब ये वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, माइनस 1.526 प्लस 2.237, बड़ा डिजिट है, बड़ा में से ये छोटा हमें माइनस करना होगा। मीन्स हम माइनस कैसे करेंगे इसको, यहाँ मैं लिखता हूँ 2.237 माइनस 1.526 कितना आएगा, 1170, तो ये आएगा 0.711 एम्पियर। तो थर्ड आर्म में से कितना करंट फ्लो करेगा, 0.711 एम्पियर। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पूछा था, अब रेजिस्टर 12 ओम पे कितना वोल्टेज होगा हम फाइंड आउट करने वाले हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, अक्रॉस रेजिस्टर 12 ओम कितना वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। V इज इक्वल टू आई आर, हमें फॉर्मूला पता है। अब हमने I का वैल्यू फाइंड आउट किया और R का वैल्यू हमारे पास है, तो अब हम फाइंड करेंगे वोल्टेज। नाउ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 12 ओम कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, आई का वैल्यू क्या है हमारा, आई इज इक्वल टू 0.711, इतना करंट उसमें से फ्लो कर रहा है, इंटू रेजिस्टर 12, तो कितना हो जाएगा, 12 वन 12, देन ये 13.532 वोल्ट। ओके, V इज इक्वल टू 8.53 वोल्ट, करेक्ट है, 8.532 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ गया। तो समझ में आ गया। तो ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, थोड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं इसमें, क्योंकि सॉल्व करना पड़ता है। और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इसके बाद में, पहले एक प्रॉब्लम इसको अच्छे से कर लो, जो आपके पास सर्किट होगा बुक में और 2-3 सम है वो भी आप सॉल्व कर लो। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।